यूपी के बहराइच जिले में थाना नवाबगंज में वर्ष 2003 में तत्कालीन थाना प्रभारी परशुराम दोहरे ने 14 जून 2003 को थाना अंतर्गत इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप नाले से 1 किलो नेपाली चरस बरामदगी दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर कथित आरोपी सरफराज को जेल भेज दिया था। इस मामले में तत्कालीन विवेचक श्रीनाथ यादव ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सरफराज के खिलाफ न्यायालय पर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया, लेकिन इस मामले को फर्जी बताते हुए आरोपी सरफराज के पिता इजहार अहमद ने शासन से सीबीसीआईडी से दोबारा जांच की मांग की, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन में गृह विभाग के अनुसचिव गिरजा शंकर त्रिवेदी के आदेश पर सीबीसीआईडी के तत्कालीन इंस्पेक्टर निहाल प्रसाद ने जांच शुरू की और अपनी 18 माह चली विवेचना के बाद मामले को फर्जी करार देते हुए आरोपी सरफराज को तो आरोप मुक्त कर दिया। गिरजा शंकर त्रिपाठी ने इस मामले में शामिल थाना प्रभारी परशुराम दोहरे समेत सभी 6 पुलिस कर्मियों को सरफराज के खिलाफ साजिश कर मुकदमा दर्ज करने और अज्ञात 1 किलो नेपाली चरस फर्जी तौर से उसके पास बरामद कराने का दोषी मानते हुए उन सभी के विरुद्ध थाना नवाबगंज में दिनांक 19 फरवरी 2005 को मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। अपनी विवेचना में सीबीसीआईडी ने आरोपी सरफराज के पिता इजहार अहमद द्वारा शासन में दिए गए प्रार्थना पत्र में कही गई बात को सही पाया कि थाना नवाबगंज के तत्कालीन थाना प्रभारी परशुराम दोहरे ने सरफराज को फर्जी तरीके से जेल भेजा था। आज तारीख पड़ी है, सीबीसीआईडी ने जो चार्जशीट यहाँ भेजी है परशुराम दोहरे और उनके जितने भी साथी हैं सबके खिलाफ, वो चार्जशीट की आज तारीख जिसके उसमें मैं आया हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे लड़के को 2003 में दुकान से उठा के ले गए और फर्जी दिखा दिया इन्होंने वहाँ कि चरस इनके सामने इनके पास से बरामद हुई है। कितना प्रताड़ित किया गया था आपके बेटे? अरे हमारे बेटे को इतना प्रताड़ित किया गया था कि उस ग्राउंड के अंदर नंगा करके घुमाया गया, उसके लिंग में पत्थर बांधा गया और तमाम गालियाँ दी गई हैं और कहा है कि इसको को बख्शा नहीं जाएगा, इसके ऊपर चरस लगाई जाएगी। फिर आपने जाँच कहाँ करवाई? सीबीसीआईडी गोरखपुर। क्या जाँच में निकला? जांच में ये निकला कि जो जो इन्होंने कहा है सब झूठ है। तो अब क्या उसमें क्या प्रक्रिया हुई है यहाँ पर कोर्ट पर? अब प्रक्रिया ये हुई है कि 17 तारीख पड़ी है। कितने दिन बाद यहाँ पर चार्जशीट लगी है? क्या चार्जशीट लगी है? 17 साल के बाद। ये मामला पूरा इस तरह से है कि वर्ष 2003 में 18 जून 2003 ईस्वी में एक सरफराज नाम के व्यक्ति को जो कस्बा नवाबगंज थाना नवाबगंज में होटल का काम करता था उसके पास से एक बंधा है नवाबगंज नेपाल बॉर्डर के पास, वहाँ से फर्जी बरामदगी दिखाई 1 किलो चरस की। पूर्व थाना अध्यक्ष परशुराम दोहरे और वहीं के कांस्टेबल अनूप कुमार सिंह, लालचंद यादव, रामशब्द यादव, कांस्टेबल अभिमन्यु सिंह ये थे। बाद में उसी मुकदमे के विवेचक हुए श्रीनाथ यादव, इन लोगों ने फर्जी बरामदगी दिखाई। ये है 18/6/2003 की घटना है, ये बताई जाती है। और फिर उसके बाद उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले उस सरफराज को इन्हीं पुलिस वालों ने थाना कैंपस में काफ़ी प्रताड़ित किया, यहाँ तक कि उसके पिता का जो आरोप था, सरफराज का भी आरोप था कि इन लोगों ने उसके लिंग में प्लास से दबाया और पेट्रोल भी डाला और तमाम तरह की आपत्तिजनक मानवता के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई किया।